हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूट्यूब चैनल आज के टाइम पर सारी दुनिया यूज़ कर रही है। अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ ना, तो आपके अगर फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं, अगर आप 10 लोगों का ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का, तो उस 10 में से एवरेज 5 लोग जो हैं वो यूट्यूब पर एक्टिव है। 5 लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनका अपना एक यूट्यूब चैनल हो, वो यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ डालें, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो डालने के बाद उनको लगता है कि उनका चैनल जल्दी से जल्दी जो है मोनेटाइज हो, और मोनेटाइज होने के बाद वो यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके। और ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में इस टाइम वायरल हो चुकी है कि यूट्यूब चैनल से बहुत सारी दुनिया जो है यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, एजुकेशनल या लिरिकल वीडियोस या बहुत अलग अलग तरीके की वीडियोस डालकर अपने यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रही है। तो ऐसे में जब बहुत सारे लोगों का यूट्यूब में इंटरेस्ट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं पर उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या है? इफ सपोज कि मान लो आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, या मान लो कि आपके यूट्यूब चैनल पर आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत दिन हो गए एक वीडियो मैंने अपलोड किया लेकिन उस वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, या आपको लग रहा है कि ना कई बार क्या होता है व्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लाइक्स एक भी नहीं होता। कई बार क्या होता है व्यूज आपको जीरो दिख रहे होते हैं, व्यूज आपको बहुत कम दिख रहे होते हैं लेकिन लाइक्स बहुत ज्यादा दिख रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यूट्यूब में प्रॉब्लम है। कई बार लग रहा होता है कि आज मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर अगर 10,000 थे तो कल मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर 2,000 कम कैसे हो गए, वो आज 8,000 कैसे रह गए। तो ऐसी ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो यूट्यूबर को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मोस्टली यूट्यूबर्स को ना ये चीज़ नहीं पता होती कि बाय चांस अगर उनके यूट्यूब चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम आई या कोई भी दिक्कत आई तो वो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब कई लोग जो हैं जो इन चीज़ों से अवेयर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यूट्यूब फॉरम ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी इशू आया, कोई भी उनको उनको यूट्यूब चैनल पर कोई भी डाउट लग रहा है, तो वो यूट्यूब फॉरम में क्या करते हैं, अपनी जाकर रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं। एंड विद इन 24 आवर, और कई बार तो 24 आवर्स भी नहीं लगते, बहुत कम समय के अंदर क्या होता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे अभी 2 साल पहले जब YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज चेंज हुई थी, और जब से ये 4000 वॉच आवर का कंसेप्ट आ चुका है, साथ साथ में 1000 सब्सक्राइबर का कंसेप्ट आ चुका है, तब से बहुत सारे यूट्यूबर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको यूट्यूब चैनल पर कोई भी इशू आता है, आपको लग रहा है कि आपके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन का कोई इशू है, सब्सक्राइबर का कोई इशू है, लाइक्स का कोई इशू है, व्यूज़ का कोई इशू है, किसी भी टाइप का इशू अगर आपके यूट्यूब चैनल पर आप फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग अवेयर ना होने की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को पता नहीं होते। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं कि हम अपने YouTube चैनल जब बनाते हैं तो हमारे YouTube चैनल में अगर कोई भी इशू आया तो उस इशू को हम लोग कैसे YouTube को सेंड कर सकते हैं, और कैसे अपने जो भी हमारे को डाउट्स आ रहे हैं या जो भी हम लोगों को इश्यूज आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, तो उसका फाइनली सॉल्यूशन कैसे लिया जा सकता है। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों, सेंड फीडबैक ऑप्शन। तो सेंड फीडबैक ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, जैसे आपका जैसे ये यूट्यूब चैनल है, और ये यूट्यूब चैनल का आपका डैशबोर्ड है, आपका भी जो डैशबोर्ड है यूट्यूब चैनल का वो इसी तरीके की लुक्स उसकी होती हैं। तो उसके अंदर काफी सारी चीजें जो ऑप्शंस है वो हम लोगों को चैनल के डैशबोर्ड पर ही मिल रही होती हैं। जैसे हमारा कोई लेटेस्ट वीडियो आई है, या यूट्यूब की तरफ से कोई लेटेस्ट न्यूज आई है, या यूट्यूब की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आपके चैनल का एनालिटिक्स आप यहां देख सकते हैं, यूट्यूब के अंदर नया क्या चेंजेस आए हैं, देखिए जैसे व्हाट्स न्यू इन स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो में क्या नया चेंजेस आए हैं वो आपको यूट्यूब डैशबोर्ड पर दिखता है। आप यहां से डायरेक्टली अपनी पर वीडियो एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। इवन आपको आपके पूरे YouTube चैनल का एनालिटिक्स देखना है तो वही आप डैशबोर्ड से गो टू चैनल एनालिटिक पे क्लिक कर अपने YouTube चैनल का पूरा एनालिटिक देख सकते हैं। अगर आप लोगों के चैनल पर कम्युनिटी टैब आप लोगों को मिल चुका है, तो अगर आप उस पर कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं तो आप पोस्ट को भी डेफिनेटली यहां से शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरे यूट्यूब चैनल के ऑप्शन है। लेकिन इस यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको या लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, डैशबोर्ड, कमेंट्स, मोनेटाइजेशन, ऑडियो लाइब्रेरी का, इसके साथ में ये सबसे अच्छा पॉइंट दिया हुआ है जिसमें सेकंड ऑप्शन है सेंड फीडबैक का। सेंड फीडबैक ऑप्शन कैसे यूज होता है देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सेंड फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक किया तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपने स्क्रीन में या किसी भी एरिया में, तो हम लोगों को सबसे पहले उसको हाईलाइट करना है। तो देखिए यहां पर लिखा आ रहा है इंक्लूड, अगर आप यूट्यूब को कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं और उसके साथ किसी भी स्क्रीनशॉट को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से क्लिक करके अपना पूरा स्क्रीनशॉट जो भी आप यूट्यूब को बताना चाहते हैं, जैसे देखिए अगर आप इस एरिया की रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो ये वाला एरिया आप इसको पहले सेलेक्ट कर ले। ये एरिया मैंने बनाया, जैसे ही मैं इस एरिया पर डन पर जाकर क्लिक करूंगा बीच में, तो देखिए ये एरिया आ गया। अब इस एरिया में क्या है कि ये मेरा पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये यूट्यूब फीडबैक में नहीं जाएगा, सिर्फ ये एरिया जहां पर मैंने इस एरिया जहां पर अपनी प्रॉब्लम का मैंने मेन फोकस दिखाया है वहां प्रॉब्लम जो है हाईलाइट हो गई, और मेरी जो भी इश्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल में फेस कर रहा हूं और तो वो मैं इसको यहां पर राइट डाउन कर सकता है। जैसे
हेलो, आई एम फेसिंग अ इशू इन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस फॉर मी। जैसे कोई भी आपको मैसेज लिखना, जैसे मैंने भी लिख दिया कि आई एम फेसिंग इश्यू इन यूट्यूब चैनल एंड प्लीज फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर मी, और मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया, और उसके साथ मैं जैसे ही मैं यहां पर सेंड ऑप्शन पर, यहां पर दिख रहा है आपको कैंसिल और सेंड, जैसे ही आप यहां पर सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो सेंड ऑप्शन पर क्लिक होने के बाद आपके इस यूट्यूब चैनल से यूट्यूब में आपका फीडबैक चला गया। इस फीडबैक से रिलेटेड आपको आपकी जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आप यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स, या कई बार 24 आवर्स से भी कम लगते हैं, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी वीडियो में, आपको प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब का, सेंड फीडबैक ऑप्शन, आप इसको जरूर यूज कीजिए। और आपको आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी डाउट आ रहे हैं, तो किसी से पूछने की बजाय आप या तो यूट्यूब फोरम्स पर जाकर कोई भी अपने डाउट्स को वहां पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सेंड फीडबैक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब फोरम यूज करें या यूट्यूब का सेंड फीडबैक ऑप्शन यूज करें। थैंक यू सो मच।